नमस्कार, जय सीएससी। मैं समर चौधरी सीएससी सीकर से। तो सीएससी नेशनल ओलंपियाड जिसका हर एक बच्चे और पेरेंट को इंतजार रहता है, टेक्नो, वो इस साल लॉन्च हो चुकी है। इस साल टेक्नो का थर्ड एडिशन है, टेक्नो 25। तो सबसे पहले जो बच्चे और पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस साल टेक्नो में क्या क्या अपडेशन हुआ है, ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होगी और ये एग्जाम आपको क्यों देनी चाहिए। तो हर साल सीएलसी एक स्कॉलरशिप एग्जाम कराती है टेक्नो के नाम से, जिसमें इस बार 65 करोड़ की स्कॉलरशिप और 75 लैक्स का कैश अवार्ड रखा गया है। और टेक्नो 25 के टॉप परफॉर्मर्स सीएलसी के किसी भी विंग में एडमिशन लेते हैं, वो एक एजुकेशनल ट्रिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, जिसमें हम बच्चों को दुबई, सिंगापुर या हांगकांग में से एक जगह लेके जाएंगे। कौन से बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? तो वो हर बच्चा जो भी क्लास 6 से लेकर 12 साइंस में पढ़ रहा है, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस एग्जाम का सिलेबस उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर एक बोर्ड का बच्चा इस एग्जाम को दे सके। जो इस साल जो सबसे बड़ा अपडेट है कि इस बार एग्जाम दो फेज में होगी। जो फेज वन होगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, तो आप इंडिया में कहीं भी बैठकर टेक्नो का फेज वन दे सकते हैं। उसके बाद में जो फेज टू होगा वो कंप्लीटली ऑफलाइन मोड में होगा। फेज वन सितंबर अक्टूबर के चार संडेज, 29th ऑफ सितंबर, 6th ऑफ अक्टूबर, 13th ऑफ अक्टूबर और 20th ऑफ अक्टूबर को होगा, जिसका रिजल्ट 27th ऑफ अक्टूबर को पब्लिश होगा। और फेज वन में हर क्लास से टॉप 40% फेज टू के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि 17th ऑफ नवंबर को होगा, जिसका रिजल्ट 1st ऑफ दिसंबर को पब्लिश होगा। फेज टू हिंदुस्तान के 12 स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में एग्जाम ये कंडक्ट होगा। और कुछ पेरेंट्स और बच्चों के मन में होगा कि सर इस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको गूगल पे जाके www.clctechno.com जाना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है और आपको पूरा एक बेसिक फॉर्म भरना है, जिसमें थोड़ी आपसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे उसी फॉर्म में फेज टू में आपका चॉइस ऑफ सेंटर पूछ लिया जाएगा। तो अगर आप फेज टू के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको उसी सेंटर पर जाकर एग्जाम देनी होगी जो आप फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे। तो आप फॉर्म को भरते हुए जरूर ध्यान रखें कि अगर मैं फेज टू के लिए सेलेक्ट हुआ तो कौन सी सिटी मेरी नियर बाई रहेगी, जिस पे जाकर मैं मेरी एग्जाम कंफर्टेबली जाके दे सकता हूँ। इसमें एक चीज़ और है, अभी हमने 40 सेंटर चूज किए हैं, इन केस हमें आगे लगा कि हमें कोई और भी शहर ऐड करना पड़ेगा तो हम ऐड करने को रेडी हैं, जो वो बच्चे और पेरेंट्स की डिमांड है उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में सर एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस, तो एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस जानने के लिए आपको clctechno.com पर जाकर एक ब्रोशर डाउनलोड करना है। उसमें आपको कंप्लीट आपके एग्जाम का, आपकी क्लास का सिलेबस क्या रहेगा और फेज वन और फेज टू एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो कंप्लीटली उस पर लिखा हुआ है, आप जाके उसको पढ़ें। उसके बाद में आएगा कि सर मैं एग्जाम क्यों दें, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इस एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप फेज वन दें चाहे आप फेज टू दें, इस एग्जाम की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है। दूसरा ये कि अभी आपका बच्चा अपनी क्लास में परफॉर्म कर रहा है, अपनी क्लास में एग्जाम दे रहा है, तो उसकी जो रैंक आती है या उसकी जो परफॉर्मेंस आती है वो उसकी क्लास के अकॉर्डिंग आती है। पर एक नेशनल लेवल की एग्जाम देगा तो नो डाउट उस बच्चे को एक कॉम्पिटिशन से थोड़ा एक्सपोज होगा, उसको पता लगेगा कि मैं अभी पूरे नॉर्थ इंडिया में या इन 12 स्टेट्स में कहाँ स्टैंड करता हूँ, या मेरे को और मेरी अकेडमिक्स वाइज मेरी प्रिपरेशन कैसी है, कि मेरी आने वाली बोर्ड एग्जाम हो तो मेरी एनुअल एग्जाम के लिए मेरे को क्या परफॉर्मेंस करनी है। क्योंकि हम बच्चे को मार्कशीट में सिर्फ उसकी मार्क्स या रैंक या सिर्फ उसके परसेंटेज नहीं, बल्कि एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मार्कशीट भी देते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि बच्चे को कौन कौन से जो टॉपिक हैं या सब्जेक्ट हैं बच्चे के स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक उसके वीक है, जिस पर उसको ध्यान देकर अपने आप को थोड़ा और बेटर कर सकता है। तो नो डाउट बच्चा और पेरेंट इसमें एक विन विन सिचुएशन में है। आपका मोटिव सिर्फ अपने बच्चे की अकेडमिक्स लेवल चेक करना हो तो भी हम आपको एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस और एक डिटेल रिजल्ट आपके बच्चे को देंगे। पर फिर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को मेरे बच्चे को आप अगले साल सीएलसी में ही एडमिशन कराना है, सीएलसी किसी भी वर्टिकल में, चाहे वो सीएलसी हो, चाहे वो सीएचएस हो, चाहे सीआईएस हो, चाहे वो केवीएम हो, या एनडीए में एडमिशन लेकर आपके कैश रिवॉर्ड और एजुकेशन ट्रिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जो ये कैश रिवॉर्ड और एजुकेशन ट्रिप है, ये सिर्फ सीएलसी बात नहीं करती, जब जो टेक्नो का फर्स्ट एडिशन था टेक्नो 23, उन बच्चों को उनके कैश रिवॉर्ड के 2 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है और जो सिलेक्टेड बच्चे थे वो सिंगापुर जाकर आ चुके हैं। जो लास्ट अगर टेक्नो का एडिशन है टेक्नो 24, उन बच्चों को उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है और वो बच्चे अभी 26 से 27 अक्टूबर को दुबई जा रहे हैं अपनी एजुकेशन ट्रिप के लिए। टेक्नो इकलौता स्कॉलरशिप एग्जाम है जो रिजल्ट के साथ ही आपके बच्चे को बता देता है कि एडमिशन लेने पर आपके बच्चे को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। जो अगर कैश प्राइज के लिए एलिजिबल है तो कैश प्राइज भी उसकी मार्कशीट में प्रिंट होकर आती है। तो और भी अगर कोई क्यूरी आपके मन में रह गई है तो ये नंबर है, इस नंबर पर फोन करें और अपनी सारी क्यूरी मिटाएं। तो किस बात का है इंतजार, जल्दी से फोन उठाएं और अपने बच्चे को सीएलसी टेक्नो के लिए रजिस्टर कराएं। जय सीएलसी।